हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन और ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC द्वारा लिए गए फैसले ने चंडीगढ़ के उपभोक्ताओं को एक झटका दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते बिजली की दरों में 9.4% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई, जो 1 अगस्त से मान्य होगी। आखिरी वृद्धि 2018-19 में की गई थी। JERC ने चंडीगढ़ में आखिरी बार वित्त वर्ष 2018-19 में टैरिफ में बढ़ोतरी की। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वर्ष 2021-22 के लिए 9.58 की कटौती की गई। 2022-23 में 1% की कमी के साथ 2023-24 में भी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। चंडीगढ़ के उपभोक्ताओं के इसके बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं। शेख साहब नमस्कार। नमस्कार। अभी जो पिछले दिनों चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, तो सामान्य जनजीवन पर क्या इसका असर पड़ेगा और आपका क्या विचार है इसके बारे में? मेरा विचार ये है, सबसे बुरा असर महंगाई पहले बहुत ही है जो बेलगाम है। अब अगर होर प्रशासन ने इसके ऊपर बोझ पा दिया है, ये गरीब आदमी के वास्ते बहुत ही मुश्किल है। इसके असर पर यह असर पड़ेगा, जो है गरीब यहाँ 2 रोटियाँ खाता था, अब 1 ही खाएगा, क्योंकि बिजली तो चाहिए, इसके बिना काम चलेगा नहीं। ये मेरे विचार है। सचदेवा जी, अभी पीछे दिनों जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने JERC के अकॉर्डिंगली उनकी प्रपोजल को मुख्य रखते हुए जो नया टैरिफ पास किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई कुछ कह सकते हैं जी उसके बारे में? जो कहेगा अफसर ही कहेगा, जो कहेगा बिजली बोर्ड ही बोलेगा। बिजली बोर्ड अपनी मर्जी करता है, कभी भी ग्राउंड लेवल पे जाके चेक नहीं करते बिजली के रेट क्यों बढ़ाए जाए। एक कुंडियाँ भी इनके सिर पे चलती हैं, जो लोग कुंडियाँ लगाते हैं, बहुत आम पब्लिक पे पड़ता है। ये बिजली बोर्ड पंजाब में ये आपकी सरकार है, ये आपकी सरकार जब इलेक्शन लड़ रही थी चंडीगढ़ में, इनका ये वादे थे चंडीगढ़ में रेट कम करेंगे, पंजाब में मुफ्त बिजली दे के ये चंडीगढ़ के रेट बढ़ा रहे हैं। कि चंडीगढ़ के लोग बहुत ज़्यादा सहनशाह हैं क्या? यहाँ भी गरीब तबके भी लोग हैं, मीडियम है, सबके सरकारी नौकर ज़्यादा है, सबको ही बहुत प्रॉब्लम है इनके बिलों से। और जगह जगह देखो आज ये खर्चा कहाँ से रेट बढ़ते हैं, जगह जगह जो साइकिल स्टैंड है देखो, पंजाब सरकार के बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी अचीवमेंटें लिखी जाते हैं, ये अपने भगवंत मान की CTU की बसों पे भी उनके एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड, कहाँ से आ रहे हैं? चंडीगढ़ की पब्लिक ही दे रही है, उस उल्टा बोझ फिर हमारे ऊपर बिजली के कनेक्शन रेट बढ़ा के। हमारे शोर जहाँ मेरा ऑफिस है जी 30 सेक्टर में, वहाँ 3 फ्लोरें हैं, तीनों का अलग अलग 1600 रुपये पर मीटर रेंट आता है, मतलब 4800 रुपये रेंट हमारे शोरूम का सिर्फ बिजली का एक मीटर लगने का। एक यूनिट भी चला तो 1600 रुपये बिल आ रहा है, और मीटर भी हमने परचेज किए हुए हैं, हमने लगाए हुए हैं, उसका रेंट भी सरकार हमारे से ले रही है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये पैसे। बाकी सही बात है, ये प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए। ये हमारे इतनी इतनी महंगी इनकी सैलरियाँ हैं, इतने इतने हाई स्केल पे बंदे रखे हुए हैं, प्राइवेट दो देखो बिजली आधे रेट पे रह जाएगी और पूरी एफिशिएंसी से मिलेगी। लाइट होती नहीं, पूरा एक एक दिन लाइट ही नहीं आती है, कोई कंप्लेंट कर तो सुनने वाला नहीं है, तो इनका बुरा हाल है। ये लोगों पे तलवार चला रहे हैं, चलाते रहे, ये लोगों को बेचारे सहन करने के लिए बैठे हुए हैं। सचदेवा जी, आप कुछ बता रहे थे कि आपने एक बार सारे शोरूम की लाइट बंद करके देखी, वो कुछ क्या था? डिजिटल मीटर के बारे में बता रहा था कि जो डिजिटल मीटर सरकार ने लगाए हैं जी, उसका नुकसान भी पब्लिक को ही हो रहा है। आप मीटर सारे बंद करके देख लो, आपकी लाइट मीटर लाइटें सारी बंद करके देखो, मीटर चल ही रहा होगा, हर बंदा चेक करके देख ले, पता नहीं इनमें क्या इन्होंने अपनी एक्टिविटी डाली हुई है कि मीटर बिजली का फ्री का बिल आने ही आना है इनको, मतलब हमने यूज नहीं करना, इन्होंने हमारे से पैसे लेने ही लेने हैं। इसलिए मेरी तो सरकार से क्या, अब तो हमारे तिवारी साहब भी कुछ करें। ये चीज़ें चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कभी सड़कों की दिक्कत है, मकानों की दिक्कत है, बिजली की नई दिक्कत, बिजली बढ़ाई जा रही है, वेस्टेज रोक नहीं रहे, अपनी चेक नहीं करे कहाँ का फालतू की लाइटें जलती है, सड़कों पर लाइटें नहीं है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसका कौन सुन सकता है? कोई सुनता नहीं जी, चंडीगढ़ में तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, चंडीगढ़ लवारी सी रहा है शुरू से, किसी मामले में भी चंडीगढ़ की कोई नहीं सुनता। इसलिए मेरे तो हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई सुन सके तो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे काम करो, अफसर जो भी है हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करें, जाके देखें कि बिजली की जो खपत है कहाँ बढ़ी हुई है फालतू की, बिना मतलब। बस यही मेरी गुजारिश है आपके आपके माध्यम से, अगर ये मेहरबानी आप कर दो। ठीक, धन्यवाद। सत श्री अकाल सर। ये जो बिजली के रेट बढ़ रहे हैं जी, इन्ह बारे थोड़े की विचार है सर? देखो जी, रेट बदलने नहीं चाहिए, पर कोई भी चीज़ जो फाइनेंशियल मैटर है, गवर्नमेंट ने टेक लेना है, वो पहला लोगों की अप्रूवल, मतलब लोगों तो
परमिशन नहीं, मतलब आइडिया लेना जरूरी है। हाँ, सहमति, मतलब लोगों की राय लेनी जरूरी है। सहमति लेनी जरूरी है। हाँ जी। पर जो पेपरों में आ रहा है भाई, जीआरसी ने अप्रूव करता है भाई, अजय तक फाइनल नहीं होया, जब तक अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल नहीं देंगे, जब तक आप कह नहीं सकते। पर जीआरसी ने पहला जो अप्रूवल मतलब मंगी सी, उन्होंने 18% मंगी थी, इन्होंने फिर हाफ अप्रूवल जी दी है, मतलब जोड़ा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा था भी 18% बदलनी चाहिए है, तो जीआरसी ने इनू अद्धा किया है, अजे फाइनल इहदा होया नहीं। नहीं सर, पर एक होर देखने वाली गल है, वधन की जरूरत सी, रेट वधाण की लोड़ सी, जब साडा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रॉफिटेबल जा रहा है, मेरा ख्याल है मेरे हिसाब से शायद देश में पहला हो जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रॉफिटेबल जाता नहीं, नॉर्मल कट्टे जाने, फिर रेट वधाने की कोई लोड़ नहीं सी। ठीक है जी। तो ये बारे सर हम पब्लिक जी चंडीगढ़ की पब्लिक है, वह तो सिर झुका के यही रेट देने तैयार हो जाएगी, थोड़ी की राय ये बारे जी? देखो जी, डिक्टेटरशिप आ रही लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया जी पब्लिक बारे। नहीं, बाकी गवर्नमेंट की क्या कहती है वो तो करता, पर लोगों ने इस मिल के सारा विरोध करना चाहिए, जब क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी को साढ़े को प्रॉफिट पाया। ठीक है, कोई लॉस भी नहीं है। ठीक है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।